हेलो फ्रेंड्स, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम धारा 34 आईपीसी 1860 को समझेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाएं और आप अपना क्वेश्चन छोड़ दें, मैं निश्चित आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, धारा 34 जो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, जो समान आशय को समझाती है, ये एक ऐसी धारा है जो समान आशय के बारे में बताती है। फ्रेंड्स, इसमें इसकी परिभाषा को पहले समझ लेते हैं। जब कोई क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों द्वारा सभी के समान आशय के अग्रसर में किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार लायबल होगा जैसे उन्होंने उस कार्य को स्वयं अकेले ही किया है। इस परिभाषा से हमें ये समझ में आया कि जब कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए जाते हैं और उनमें से सभी का आशय समान है और उन्होंने किसी क्रिमिनल एक्ट को किया है तो उनमें से सभी व्यक्तियों की लायबिलिटी वही होगी जो जिसमें उसमें से चाहे उसने अपराध को किया हो या ना किया हो, मगर उसकी भी लायबिलिटी उतनी ही होगी जितनी कि उसके साथ वाले ने अपराध किया है। फ्रेंड्स, ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझने की दृष्टि से देखें, अगर ये ना होती तो क्या होता आईपीसी में? फ्रेंड्स, सपोज दैट तीन व्यक्ति पहले से योजना बनाकर के किसी व्यक्ति को मारने के लिए जाते हैं। उनका इरादा होता है कि हम इसकी हत्या करेंगे, मगर उसमें से एक व्यक्ति ने उसको गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। इन लोगों ने गोली नहीं चलाई, उसी की गोली से उसकी हत्या हो गई। इन लोगों का काम हो गया, उसकी जैसे ही हत्या हुई सबने वहां से पत्ता साफ कर लिया, सबके सब भाग गए। अब जिसने गोली चलाई थी उसकी तो लायबिलिटी बन गई। अब अगर विचारण चलेगा तो ये अपने आप को कहेंगे कि हमारे द्वारा तो गोली चलाई नहीं गई थी, इसलिए हमने कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए इस धारा को लाया गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये धारा। फ्रेंड, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, इसके जो तत्व हैं वो समझ लें, क्या क्या होने जरूरी है इसमें। एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, प्री मीटिंग ऑफ माइंड अर्थात मस्तिष्क का पूर्व मिलन होना चाहिए, पहले से ही आपस में बातचीत हो जानी चाहिए, सुनियोजित योजना बननी चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए कि हमें इस व्यक्ति को मारना है, और एक्ट में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। जो कार्य वो कर रहे थे उसमें सबकी भागीदारी होना आवश्यक है। ये इसके एलिमेंट हैं। फ्रेंड्स, इसमें कुछ विधि व्यवस्था है जो इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो विधि व्यवस्था है, सबसे महत्वपूर्ण है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1925 प्रीवी काउंसिल। फ्रेंड्स, इसमें यह हुआ था कि एक पोस्ट मास्टर, इसको पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जानते हैं, इसमें एक पोस्ट मास्टर को के पैसे लूटने के इरादे से कई लोग पोस्ट ऑफिस पर आक्रमण करते हैं और अंदर जाने के बाद में उससे पैसे मांगते हैं। जब वो पैसा देने से इनकार करता है तो उसे गोलियों से मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और जैसे ही उसकी हत्या होती है सब भाग लेते हैं। सबको इसमें पनिशमेंट किया जाता है। वीरेंद्र कुमार घोष अपने बचाव में ये कहते हैं कि साहब, मैं तो बाहर खड़ा था, मैं तो अंदर गया ही नहीं, मैंने तो गोली चलाई नहीं, इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रीवी काउंसिल ने ये कहा, इसमें लॉर्ड सिमरन इसमें जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा
कि जो बाहर रह करके खड़े होकर के प्रतीक्षा करता है वो भी उस अपराध में भागीदार होता है। अर्थात आप बाहर खड़े थे तो उस व्यक्ति को जो अंदर कार्य कर रहा था उसको आपकी वजह से शक्ति प्रदान हो रही थी और उसने कार्य को किया, इसलिए आप बराबर के भागीदार हैं। तो धारा 34 से इन्हें पनिशमेंट दिया गया और इन्हें कोई भी छूट प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट केस है महबूब शाह बनाम एम्प्रेयर 1943 प्रीवी काउंसिल। इसमें समान आशय और समान आशय के में दोनों में अंतर बताया गया और इसमें एक बात यह भी कही गई कि अभियुक्तों के बीच घटना के पूर्व सामान्य आशय का होना आवश्यक है। अर्थात जब घटना घटित होने जा रही थी उससे पहले, घटना को करने से पहले उन लोगों के बीच में जो हत्या करने जा रहे थे उन व्यक्तियों के बीच में पहले से ही माइंड मीटिंग होनी चाहिए और समान आशय होना चाहिए कि हमें इसकी हत्या करनी है। अगर इस तरीके का कोई भी योजना नहीं बनी है, पहले से कोई मस्तिष्कों का मिलन नहीं हुआ है तो इस प्रकार में ये धारा 34 नहीं आएगी। और इसमें इसी तरीके से इस केस में कुछ ऐसा ही था, बहुत लंबा है, इस केस में कुछ ऐसा ही था, इसलिए जो है इसमें इन्हें छूट प्रदान की गई क्योंकि इसमें अचानक गोलियां चली थी और इसको नरकुल और एक सिंधु नदी के नाम से भी इस केस को जाना जाता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है ये और संयुक्त दायित्व के रूप में भी इसे हम जानते हैं, समान आशय के रूप में भी इसे जानते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने जैसे शुरू में बताया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऐसे लोग बच जाते, मगर इसमें यह हुआ कि अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को, कई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारते हैं और एक ने मार दिया बाकी ने नहीं मारा, साथ में गए थे मारने के लिए, तो इसमें से सभी पूर्ण रूप से भागीदार माने जाते हैं। फ्रेंड्स ये थी धारा 34 और आज का लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए इस लेक्चर से अगर कुछ ज्ञान मिलता है तो